हेलो दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो हम देख सकते हैं इधर मेन रोड में है और आप लोग को दिखाने कुछ अलग जा रहे हैं हम, क्योंकि दुर्गा पूजा का पंडाल हम दिखाने के लिए ब्लॉग में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हम डायरेक्ट लेके चलते हैं पंडाल की तरफ। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वहाँ पंडाल का सामने, देख सकते हैं मेरा पीछे पेट्रोल पंप है, इसी का बगल देख सकते हैं गाइस, ये गेट बना हुआ है रोड में। और देख सकते हैं इधर का लुक, बाहर का जो है, और देख सकते हैं इधर का भी लुक कितना मस्त है। और देख सकते हैं इसी रोड जो पीछे से किया हुआ है, और आप लोग को देख सकते हैं लाइक के माध्यम से कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। ब्लॉग में बने रहिएगा, हम यहाँ का पूरा लोकेशन आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग में। फाइनली गाइस हम मंदिर के पास पहुंच गए, और देख सकते हैं कुछ इस तरह का लोकेशन है। उधर लाइट उट लगा रहे हैं, देख सकते हैं इधर मंदिर है मेरा पीछे साइड, पूजा हो रहा है शायद। तो आप लोग को बैक कैमरा से हम दिखाएंगे हम मूर्ति सब, और यहां से निकलेंगे। फाइनली गाइस देख सकते हैं पूजा चालू है, और हम बाहर से ही दिखा रहे हैं आप लोग को मूर्ति सब। और देख सकते हैं ये गेट है जो मंदिर का, आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाई पड़ता होगा। और देख सकते हैं इधर पूजा चालू है नहीं अंदर में, नहीं तो दोस्तों आप लोग को फ्रेश देखने में मिलता, तो हम दिखाते हैं और इधर का लोकेशन पूरा, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस देख सकते हैं ये जो पंडाल बना रहा है बहुत मस्त दिखने में लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को पंडाल। इधर देख सकते हैं ये गेट बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं इधर पेड़ भी लगा हुआ है, तो रात को और मज़ा आएगा देखने में। और इधर का लोकेशन देख लीजिए आप लोग, और ये मंदिर है जो कीर्तन होता है इसी पे। सो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं, और देख सकते हैं मेरा पीछे का बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से हम निकलते हैं और दिखाएंगे मंदिर और पंडाल। हम इधर आप लोग देख सकते हैं इधर के माध्यम से मेरा पीछे हम मेन रोड की ओर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और यहां से हम लोग दिखाते हैं और सीन दिखा देंगे बैक कैमरा से। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का इधर लोकल एरिया है, उसीलिए बड़ा पंडाल नहीं है। हम तो कल रांची का ब्लॉग भी आप लोग को दिखाए थे कितना मस्त मस्त वहाँ पंडाल है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ उतना खूबसूरत नहीं है। तो बहुत पंडाल की ओर हम ले चलेंगे आप लोग को, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और देख सकते हैं कितना मस्त सजाया हुआ है, ये जो मंदिर है इसमें भी दोस्तों लाइट लगा रहा है, और यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मेन गेट का भी सीन आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो की माध्यम से। देख सकते हैं ये मेन गेट है, मेन रोड है, वहाँ से घुसता अंदर। देख सकते हैं इधर मैं बाइक खड़ा किया था और अंदर घुसा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप है, क्योंकि मेरा इधर लोकल एरिया है जो गोला में पड़ता है। इस तरह का लोकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं गाइस ये बाहर का सीन है, आप लोग को अंदर ले जाके दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं साउंड बज रहा है, लुक देख सकते हैं दोस्तों, ये गेट का लुक है और अंदर का लुक इस तरह के कुछ है। और उधर देख सकते हैं माता रानी है, और इधर का सीन देख सकते हैं देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इधर भी अभी सजावट बाकी है, पूरा होने जा रहा है। और उधर देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं। तो गाइस यहां से हम लोग निकलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से कितना मस्त बना हुआ है। देख सकते हैं ऊपर का ये सीन है, और ये साइड सब का सीन है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग यहां से चलेंगे अब बाहर की ओर, देख सकते हैं इधर का लोकेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये मेन रोड रांची का है, और इधर मेरा पार्टनर बैठा हुआ देख सकते हैं, और इधर बाहर है। तो चलेंगे अगला सीन दिखाएँगे फिर। देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, इसमें लाइट लगा रहा है, अभी काम बाकी है। आप लोग देख सकते हैं मधुमक्खी एकदम सेम टू सेम दिख रही है। गाइस दिखाते हैं अंदर जाके कितना अच्छा सीन है इधर का, देख सकते हैं लाइट लगा हुआ है, बहुत मस्त दिखने में लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त है मेन रोड का ये मूर्ति सब है, और पंडाल का भी खूबसूरत देख लीजिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है आप लोग को वीडियो के माध्यम से। Thank you.
है गाइस, ये बाहर का सीन है, आप लोगों को अंदर ले जाके दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं साउंड बज रहा है, लुक देख सकते हैं दोस्तों, ये गेट का लुक है और अंदर का लुक इस तरह के कुछ है। और उधर देख सकते हैं माता रानी है, और इधर का सीन देख सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इधर भी अभी सजावट बाकी है, पूरा होने जा रहा है। और उधर देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं।